देगा पीछे वाला भी। तो कैसे ऑक्सीजन फिफ्थ भाई, ऑक्सीजन आ चुका है क्राउन 1 टू कौन करें कुछ कैंप वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि हाई प्लस कैसे निकाला जाता है क्राउन पे, या फिर आप डायमंड पे हो, या फिर क्राउन 1 पे, क्राउन 4 पे, क्राउन 3 पे, कहीं पे भी हो आप कौन कर करना चाहते हो तो ज्यादा प्लस निकालने का दिमाग में। एक प्रॉपर वाला तरीका बताने वाला हूँ तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अब एक दो दिन पहले आपने देखा होगा मेरी लाइव स्ट्रीम पे मैंने 19 किल करे थे, इस सीजन के हाईएस्ट किल मेरे वही थे अभी तक, बट यहाँ पे सुबह मैं कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ तो देखो भाई मैं यहाँ पे अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया, टीममेट को कॉल दी। अब यहाँ पे प्लेटिनम लॉबी पे काफी सारे बंदे भाई हाईएस्ट किल करके अपना रिकॉर्ड सेट कर लेते, भाई एक रैंक कुछ लॉबी के अंदर हाई किल करना वो एक अलग ही मजे वाली बात है। अब यहाँ पे देखते जाओ भाई इवेंट को कैसे क्लियर करते हैं और कौन कौन सी टेक्टिक हम फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पे ना एक बात मैं पहले बोलते था, सारी की सारी बात आपको मैं बोल के नहीं समझाऊंगा, गेम प्ले देख कर आपको समझना है, सीखना है। यहाँ पे टीममेट को बोल दी, सामने एक बंदा फटेगा पक्का, बंदा डाउन हुआ और यहाँ पे सीधा मार रहे सामने वाले बंदों पर रश। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैं सेकंड वाले इवेंट पे आता हूँ, फर्स्ट वाले इवेंट पे जल्दी से जाता ही नहीं हूँ मैं। उसका रीजन है कि भाई यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं हाथ सेट हो चुका सेकंड वाले पे। और अब देखो ये दोनों बंदे निकले आते हैं सीधे, इन दोनों बंदों को टेकडाउन यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अभी यहाँ पे ना भाई देखो इस सीजन ना कहीं डे वन पे ही चीटर्स ने भाई कॉन्कर कर दिया था अपना आईडी का। आगे, 3 प्लेयर, 2 प्लेयर तो यहाँ पे ना कहीं चीटर्स की कहानी अलग ही चल रही है इस सीजन। और काफी सारे बंदे भाई बहुत ज्यादा परेशान है चीटर से। तो भाई देखो इतना सा मैं आपको एक बात बोलूंगा, जिस लॉबी के अंदर आपका हाथ सेट हो जाए या फिर जिस लॉबी के अंदर आपको लग रहा है कि चीटर्स नहीं है, किल फीड आप रीड कर रहे हो तो समझ में आ रही है आपको सारी चीजें, तो भाई उस लॉबी के अंदर ना आप किल्स उठाने की ट्राई करो। और यहाँ पे ऊपर से रिकॉल कलेक्ट किया, नीचे आते हैं अपार्टमेंट गिरते हैं, यहाँ पे ये बंदा दिखता है, इसको फिनिश करके सीधा हम गाड़ी उठा के बंदे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास भाई रिकॉल थे दो दो, तो भाई बंदे तो ढूंढने ही थे और किल्स उठाने थे। देखो यहाँ पे मेरा अभी जो करंट रैंक बता रहा हूँ आपको, मेरा क्राउन 1 पे का आई थिंक 30 या फिर 25 पॉइंट होंगे, और यहाँ पे मैं आज रात को जब लाइव स्ट्रीम करूंगा तो मेरी आईडी के अंदर समथिंग 3 घंटे बचे हैं, तो 3 घंटे के अंदर अपन एस कर देंगे, मतलब मेरा कॉन्कर कल मुझे मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे मुझे कॉन्कर अपनी आईडी के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भाई जो मैं अभी तरीका जो यूज कर रहा हूँ वो तरीका क्या है, देखो काफी सारे भाई ना रैंडम के साथ खेल रहे हैं और वो सोचते हैं कि भाई रैंडम के साथ खेल कर हम कॉन्करर कर लेंगे अपनी आईडी के अंदर जल्दी। उसने नॉक दिया किसी को, ले ले पॉसिबिलिटी तो है कि आपका कॉन्कर हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आपका अर्ली 4 to 7 days के अंदर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अलग ही तरीके की वाली मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाओगे। एक बंदे को डाउन दिया, टीममेट को कॉल दी, रुकना एक और है। यहाँ पे आया तभी बंदा दिखा और सीधा इस बंदे को भी फिनिश करके यहाँ से लूट करके हम निकलते आगे की साइड। रैंडम के साथ मत खेलो, अपनी फ्रेंड लिस्ट में से एक बंदा ढूंढ लो जो नहीं खेल रहा हो, उसको एक लालच दो, थोड़ा सा अमाउंट वगैरह का लालच दोगे तो आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आप में से किसी भी भाई को अगर पेड पुश करवाना है और आपका बजट ठीक है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके फॉलो कर लेना। एक्सेलेंट वर्क, और डीएम कर देना तुम्हारा भाई आपकी आईडी को लाइव स्ट्रीम पे खेल के कॉन्कर कर देगा। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होने वाले, इस बंदे को नॉक किया, पीछे वाला देगा, पीछे वाला। बोतलो है, बोतलो है।
टीममेट नॉक हुआ। यहाँ पे फटाक से पहले मैं हील मारता हूँ। अब यहाँ पे स्मोक इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि मुझे सामने वाला बंदा आते हुए दिखे, जिससे मैं उसको इजी यहाँ पे टेक डाउन कर पाऊँ। तो यहाँ पे टीममेट को मैं रिवाइव के लिए हाथ लगा देता हूँ, हील में मार चुका था। अब यहाँ पे सामने वाला बंदा रश तो नहीं मारता है, मुंह पे नेड आया। टीममेट रिवाइव हुआ, टीममेट को बोला तू हील मार, यहाँ पे मैं रश मार रहा हूँ। इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करके यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारे भाई ने 13 किल कर लिए थे। और यहाँ पे अभी भी मैं रुकने वाला नहीं था क्योंकि मुझे जोन में जाना था, बट यहाँ पे भाई सीन जो होते हैं वो अलग ही होने वाले। देखते जाओ यहाँ पे बैग में 6-7 स्मोक ना हो ना, साला मजा ही नहीं आता। पीछे गाड़ी आई है, अभी कारपेट ऊपर उड़ रहा था एक टीममेट ने यहाँ पे एक बंदे को डाउन दिया। टीममेट को बोला गाड़ी में बैठ, यहाँ पे हम गाड़ी उठाकर सीधा निकलते हैं उस बंदे की साइड जो ये हवा में उड़ रहा है। अब ये भाई सब डाउन हो जाते हैं यहाँ पे रिकॉल की साइड। और यहाँ पे ये बंदा अपने टीममेट को रिकॉल करने की सोच रहा था, बट यहाँ पे इसको कहाँ पता है कि भाई इस पे हम गलत वाला रश मारने वाले हैं। सीधा यहाँ पे गाड़ी उठा के इस बंदे पे हम घुस जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगा कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीटी देखने को मिल रहा होगा कि आपको प्लस नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो भाई प्लस ना आपको तभी ही देखने को मिलेगा अभी के टाइम जब आपका अच्छा खासा किल्स और अच्छा खासा सर्वाइवल होगा। अब यहाँ पे मेरे इस वाले मैच के अंदर देखना कितने किल होने वाले हैं और कितना मुझे प्लस मिलने वाला है, जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर वाला आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसा खेलना है, कैसे किल्स निकालने हैं। यहाँ पे आके हम लूट वगैरह कर रहे थे और तभी देखिए पीछे की साइड मुझे बगी का साउंड आया। हेड पड़े दो हेड, यहाँ पे ये बंदा निकला और तभी एक और लेफ्ट से बगी निकलती है। टीममेट को बोला बगी का टायर पकड़ ले तो बंदे को फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाना हमें जोन में था, बट इस बंदे के पीछे लगने की वजह से देखो हम कहाँ जाते हैं और क्या सीन होने वाले थे हमारे साथ, देखते जाओ। एक्सेलेंट वर्क। अब यहाँ पे दो बगी थी जिसमें से एक बगी वाला बंदा पेट्रोल पंप पे चले जाता है, दूसरा बंदा निकल जाता है ब्रिज की साइड। और यहाँ पे देखो क्या होता है, इस बंदे को फिनिश किया लेफ्ट से स्प्रे। टीममेट को बोला ध्यान से यहाँ पे मेरे पे स्मोक कर दे, और यहाँ पे भाई पेट्रोल पंप वालों पे घुसना ही घुसना पड़ेगा, इतना हमने सोच लिया था। अब ये बंदा पीछे से कुछ ज्यादा उंगली करता है, पोर्टल बनाया सीधे इधर आया। टीममेट को बोला रुकना हल्का सा, और यहाँ पे टीममेट आगे जाता है डीबे से सीधा। इस बंदे को टीममेट ने फिनिश किया। यहाँ पे हम गाड़ी उठा के सीधा निकलते हैं जोन में जाने के लिए। और यहाँ पे टीममेट को हेलमेट वेस्ट की नीड थी जो कि उसके पूरे खत्म हो चुके थे, और यहाँ पे जोन कट चुका था, तो सीधा गाड़ी उठाकर आता इधर की साइड। वैसे कस्टम के अंदर पार्ट से नहीं बचती पता है, यहाँ क्योंकि ये प्लेयर है इसी साइड एम रखेंगे सामने, वो ले लो, हाँ शॉप ले लो, प्लेयर है उधर। अब यहाँ पे शॉप पे आए, शॉप पे बंदे तो नहीं होते हैं, और यहाँ पे सीधा हम लूट करके बंदे देखना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे किल्स हमारे पास इनफ आ लेते, बस फोकस हमारा पूरा पूरा कहीं ना कहीं हो रखा था चिकन पे, और यहाँ पे जो प्लस मिलेगा ना वो देखना बस। आप गाड़ी निकली पास से, और अब देखते जाओ यहाँ पे क्या सीन होने वाले इस टीम के साथ। भाई मुझे नहीं पता भाई इस स्प्रे के लिए तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बटन बनता है इस 1v2 के लिए, तो प्लीज सारे के सारे भाई मिलकर ना एक बार हिट कर देना सब्सक्राइब वाले बटन को, बेल आइकन ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे जोन देखता हूँ, हल्का सा अभी तक हमारे पास था बट थोड़ी देर में हमारे पास नहीं होने वाला था, इतना तो आइडिया लग चुका था। जैसे जोन कटेगा वैसे ही देखना हम यहाँ पे जो सीन करने वाले हैं गलत वाले, देखते जाओ। जोन कटा, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। गाड़ी उठाई निकले, कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं होता है। सामने की साइड वॉच टावर पे जरूर फाइट हो रहा था, इतना मैं दिख चुका था। खाली है।
अब देखो गाइस, हमेशा ध्यान रखना है जब आपके पास इनफ वाले किल हो और लास्ट जोन फाइट हो तो भाई ओवर कमिटमेंट बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे मेरा टीममेट काफी ज्यादा मुझे बोलता है कि भाई रश कर देता है, रश कर देता है। मैं बोला भाई होल्ड कर ले, गलती सी भी एक गलती हो गई तो अपना गेम खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम इतना ध्यान देते हैं कि आसपास से गाड़ियां कहां से निकल रही है। यहाँ पे एक बंदे को मैंने डाउन दिया, मेरा टीममेट किसी और टीम से फाइट ले रहा था। यहाँ पे भाई मेरा टीममेट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने बंदे को नॉक किया तो कहाँ किया। यहाँ पे टीममेट को जब कॉल देता हूँ जल्दी गाड़ी में, मैंने एक बंदे को डाउन दिया है तो टीममेट पूछता भाई कहाँ जा रहा है, मैंने वो सामने साइड बंदा डाउन किया है। बट यहाँ पे जैसे ही इस टीम को फिनिश करेंगे तो मेरा टीममेट देखना मुझे कहाँ लेके जाएगा। बंदे को फिनिश किया। अब यहाँ पे ना भाई जो सीन होने वाले हैं हमारे साथ कहीं ना कहीं वो गलत होने वाले, पूरा गेम खराब हो सकता था इससे। अब यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है इस साइड चल, मैं एक किल दिलवाऊंगा। मतलब ये जब टेरिस पे चढ़ा हुआ था सामने वाले बंदे को मार रहा था जिसका ध्यान मेरा टीममेट रखा हुआ था। यहाँ पे मैं आता हूँ इधर की साइड, टीममेट की कॉल सुन के यहाँ पे मुझे ओपन में बंदा भी दिखता भागते हुए। गलत वाला डाउन हुआ, टीममेट ने यहाँ पे जैसे तैसे करके बंदे को मारा। यहाँ पे मैं भाई टीममेट को बोलता हूँ पहले मुझे रिवाइव कर दे क्योंकि हमारे सिवा सिर्फ दो बंदे बचे हैं और रश आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तभी कैसा लगा मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना आज का गेम प्ले, और आपको कितना प्लस मिला है अभी तक हाईएस्ट क्राउन वन क्राउन टू पे, हाईएस्ट कितने किल आपने करे वो भी मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, प्लस देखते हुए जाना। बाकी हाँ उससे पहले एक काम करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। रात को मिलते हैं अपन 8:30 लाइव स्ट्रीम पे, बूम बाम करते हैं। मेरे आईडी के अंदर अब तक शायद 3 घंटे में यूज कर चुका हूँ और 3 घंटे बचे हुए, तो 3 घंटे में लाइव स्ट्रीम पे खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपना कमेंट में रैंक और कितना आपने प्लस निकाला है, कितने आपने हाईएस्ट किल करे वो जरूर बताना। लव यू ऑक्सीजन फैमिली एंड बाय, सब्सक्राइब जरूर, प्लीज 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 कंपलसरी है, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ये तो 27 किलो, वाह माचो।